जी बात नहीं करते थे, पापा को मारने का धमकी देता था। अगर पापा को साइकिल से हवा निकाल दिया और पापा को मारने की कोशिश किया, उसके बाद मम्मी को भी एक बार मेरा बैग छीन लिया था उन लोग, तब हमको डर बच गया सर। उसके बाद रोज रोज पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर लिया। जब मम्मी ड्यूटी में जाती थी ना, तब तो वो मेरे गेट के दरवाजे पे आता था और सता नहीं, उससे बात करते थे, गंदा गंदा गाड़ी निकालता था। सर उनको कहीं का नहीं चला सर, कहीं का नहीं, उनको मेरे भाई को मारने तक के चलाया था सर, भाई को मार देंगे। कौन है वो? सर वो राजकिशोर यादव के बेटा है सर। कौन राजकिशोर यादव का बेटा है सर, उसका घर ओम बिल्डिंग है सर। अगर हमको ऐसा डर रहता ना तो हम खुद ही चलाते, लेकिन हम जब जब रोड से निकलते थे तब तब वो कपड़ा खा रहता था, कचरा पड़ी करता था, हम उसके डर से घर नहीं जा पाते थे। उसके चलते मेरा पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। उसका नाम क्या था? क्या नाम है उसका? उसका नाम सर राधा। मम्मी नहीं है तब तो वो आके अच्छी करता था, टॉर्चर करता था। शादी कब हुआ था आपका? नहीं हुआ है। अच्छा। मैं शादी होने वाला था। अच्छा। उस लड़के को भी आकर से बहुत पिटा पिटा पिटा, जैसे शादी अगर तुम उस लड़की से करेगा तुम जान से मार देंगे। तो मतलब कल क्या हुआ, कब जलाया? सर कल क्या हुआ सर, हम अपनी दीदी की बेटी थी और बेटा था, दोनों को सर हम खिचड़ी देकर आए थे और खिचड़ी देकर क्या सर कुकर में सेटे था बंद कर दिए थे। ऊपर में गए जब सजवाने के लिए, तब तक क्या किया हमको पीछे से सर मट्टी से छिड़काव कर दिया, एक और लड़का था उसकी सलाई मार दिया सर। मेरा अर्जुन का कपड़ा था सर पूरा जल के राख हो गया, अगर बगल में टंकी नहीं रहता तब तो मर ही नहीं जाते सर। यानी आपके पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देते थे? हाँ सर। तार भाई थी क्या, दो बार पापा जी को ठोकर मार दिया गाड़ी से सर। मम्मी का पर्स छीन लिया सर, उसमें पैन कार्ड आधार कार्ड सब था सर। कल ही नहीं हो गया, फिर वही मेरा उठा कर मेरी मम्मी को देने आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मेरी मम्मी का नाम सीरा देवी है। कितना बरस हो रहा है आपका? 23 साल। कोई 3 साल से लड़का तंग कर रहा था कि शादी करो, लड़की कहती थी हम शादी हम नहीं करनी है, नहीं करेंगे। उसके बाद ये अपना शिकायत थाना में 4-5 बार गई करने के लिए, थाना वाला बोला तुम लोग अपने में सलट लो, ये कहे कि नहीं मान रहा है तो तुम अपने में सलट लो। लड़की लड़का के घर पर गई, उनके पिता से माँ से बहन से सबसे कही कि हमको ये बहुत तंग कर रहा है, बेटे को समझाइए। उसका पिता बोला कि अब मेरा बेटा समझने वाला नहीं है, तुमको जो बुझाए सो करो, मेरा बेटा करेगा। अब इसकी ये परिस्थिति थी कि उस दिन घर में ये लड़की अकेली थी, खाना बना के जाने, पहले से लड़का आया हुआ था, अब लड़का चला गया, ये यानी कि लड़का बाहर नीचे चला गया, वो टंकी के पीछे छुप गया था। इसको देखा अकेला, इसको पकड़ा, इसके देह पर किरासन तेल गिरा दिया, माचिस मार के चला दिया। वो लड़का इसे इसको बहुत दिन से ही परेशान कर रहा था, इसका परिवार वाला भी लड़का को समझाया बुझाया नहीं, उसके पिता कहा कि लड़का को जो बुझाएगा सो करेगा, तुमको जो करना है सो करो। आज लड़की एकदम मतलब क्या कहे, वो लड़की को जो बहुत बुरा स्थिति है, भगवान बचाए उसको, लेकिन जो ये कांड किया है उसको तो सजा होना ही चाहिए, न के कही सवाल नहीं, कड़ी से कड़ी सजा हो। 3 साल घटना, 3 साल से लगातार पीड़िता को परेशान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस से मदद मांगने के लिए गई, पुलिस अभी तक नहीं कुछ किया। आप पीड़िता से भी मिले, महिला आयोग इसको किस रूप मिलेगी? बहुत घिनौना बात, क्या आपसे कहेंगे, पुलिस प्रशासन एकदम लापरवाह है। पुलिस प्रशासन उसी समय इस पर ले लेता एक्शन तो ये कांड नहीं होता। लड़का हमेशा इसको कहता था कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे माता पिता को मार देंगे, तुम्हारा भाई को उड़ा देंगे, तुमको मार देंगे। ये डर के मारे कि हमको मार दे लेकिन मेरे भाई या माता पिता को मत मारो, ये डर के मारे किसी से कहती नहीं थी, लेकिन थाना में जा करके शिकायत करती थी। थानेदार नहीं सुना, उसका माई बाप नहीं सुना, और देखिए ये नतीजा है कि आज उसको जला के अधमरे पर छोड़ दिया।
आपके तरफ से क्या आश्वासन, आपके तरफ से क्या होगा? हम कहे हैं कि बेटा तू घबरा मत, जो दोषी है उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, तुम जल्दी भगवान से मनाओ कि ठीक हो जा, उसके बाद तू बचने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? दिलमणि मिश्रा, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। क्या हमको तो जो है जो जानकारी हुआ जो माने लड़का कोई लड़का टॉर्चर करता था, अच्छा, उसी के लेकर जो है डरता था गिरफ्तारी हुई कि नहीं? खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।